See, joints are very important for us as we grow old. We have many problems like osteoarthritis. There are other conditions in which joints get involved, rheumatoid arthritis, osteomyelitis. There are many other conditions also. So, as an anatomist, you should know, and as a doctor also, you should know that all the movement of the body it is occurring at joints. Fine. So, based on the degree of movement, the joints are divided into synarthrosis, amphiarthrosis, and diarthrosis. According to the movement का मतलब ये हुआ degree of movement का कि आपका जो joint है कुछ immovable हो सकते हैं, कुछ movable हो सकते हैं. तो इस तरीके से we are classifying it into synarthrosis, amphiarthrosis, and diarthrosis. Now दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन है लाइक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन बोथ द यू नो आर्टिकुलेटिंग बोन्स एंड अकॉर्डिंग टू द साइनोवियल कैविटी बिटवीन द जॉइंट्स. सो वी कैन डिवाइड द जॉइंट्स इनटू फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट्स. नाउ फर्दर योर फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है ना, दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सूचर्स. जैसे स्कल में सूचर्स हमें मिलते हैं, सिंडेस्मोसिस, गॉम्फोसिस, ठीक है. कार्टिलेजिनस जॉइंट अकॉर्डिंग टू द साइनोवियल कैविटी इट इज डिवाइडेड इंटू प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स विच आर नोन एज सिनकोन्ड्रोसिस एंड सिम्फिसिस. नाउ साइनोवियल जॉइंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू यू अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द मूवमेंट. यू हैव यूनी एक्सियल मूवमेंट, सो हिंज एंड पिविट जॉइंट आ जाएगा इसमें. इफ देर आर टू एक्सिस जहां पे मूवमेंट हो रही है, देन देर विल बी एलिप्सॉइडल एंड सैडल एंड कॉन्डाइलर जॉइंट्स. इफ द एक्सिस इज मोर देन टू, दैट इज मल्टी एक्सियल, then there will be, you will see there is your ball and socket joint. So joints are very important. उसकी movements आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए and this is a very very important topic for your first year examination. Thank you everyone. For more details, please be in touch.